नमस्कार साथियों, हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले के सैनपुर ग्राम, जिसमें प्राचीन आश्रम कुटी जो गंगा किनारे डलमौ घाट के पास स्थित है। और यह आश्रम आस्था और सनातन का प्रतीक है। यह आश्रम ग्राम सैनपुर में स्थित है। उसी गांव में मैं जन्म लिया हूं, जो हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली और भाग्य का प्रतीक है, जिसमें श्री शोभन सरकार जी जाते रहते थे। वो आश्रम इतना प्राचीन है, जिनके बारे में कुछ जानना अति आवश्यक है। शोभन सरकार जी के बारे में पहले जानकारी थोड़ी सी साझा कर रहे हैं। शोभन सरकार का नाम विरक्तानंद जी महाराज था। एक प्रसिद्ध भारतीय संत और आध्यात्मिक गुरु थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के कानपुर के मैथा ब्लॉक के शकुंतलनपुरवा में हुआ था। जिनकी उम्र 11 वर्ष थी और 11 वर्ष के उम्र में ही बैराग प्राप्त कर लिए, और उनके गुरु थे सत्संगानंद जी महाराज। और सत्संगानंद महाराज से ही उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। शोभन सरकार का अधिकांश जीवन उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर और आसपास के क्षेत्र में बिताया गया। उन्होंने कई मंदिरों और आश्रमों की स्थापना की, जिनमें सैनपुर आश्रम सबसे प्रसिद्ध है। आगे हम सैनपुर आश्रम के बारे में बात करेंगे तो दिखाएंगे इसमें क्या क्या है और कैसा बना हुआ है। और उनकी जो शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए उनके संगठनों की स्थापना की गई, उनको उनकी सादगी, दया और करुणा के लिए लोग जानते हैं। जिन जो लोगों में को हमेशा प्रेम, सद्भाव और शांति के लिए प्रेरित किया करते थे, उनका निधन अभी 15 मई 2020 को हो गया। उनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, उनमें से कई मंदिरों को उन्होंने निर्माण कराया और आश्रमों की स्थापना की, जिनमें प्रमुख सैनपुर आश्रम सबसे प्रसिद्ध है। और उन्होंने लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा संगठन के लिए सामाजिक सेवा प्रदान करने के लिए अनेक संगठनों की स्थापना की। वह अपने भक्तों के बीच अपने सादगी, दया और करुणा के लिए जाने जाते थे। और शोभन सरकार के विचार और शिक्षा आज भी उनके लाखों भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो सैनपुर में आश्रम का निर्माण और उसके साहित्य। शोभन सरकार सैनपुर के शिक्षा और धर्म की सनातन परंपरा को जीवंत रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस आश्रम को एक स्वामी जी महाराज अपने मुखारविंद से कह रहे हैं, उसको हम आगे आपको दिखा रहे हैं। अब चलते हैं सैनपुर के आश्रम के प्राचीन दृश्य के बारे में, जो आज भी मौजूद हैं। ये देखिए मंदिर का दृश्य, जो मंदिर बजरंगबली महाराज जी के नाम से प्रसिद्ध है। और ये बड़े महाराज स्वामी जी का दरबार है। और ये है स्वामी मग्नानंद जी महाराज, सत्संगानंद जी महाराज के दृश्य देख रहे हैं आप। और चलते हैं गंगा घाट तट की ओर। ये देखिए इस सैनपुर गांव से 1 किलोमीटर बाद जो आश्रम है, ये गंगा के तट पर बना हुआ है। ये पूरा गंगा का तट फैला हुआ है, कुटी के नीचे ही गंगा बह रही है। और ये है कुटी का एरिया, ये पूरा कुटी का आसपास का एरिया है। और ये जो कुटी का एरिया है, लगभग 100 बीघे उससे अधिक भी हो सकता है। और इधर बाबा सरकार का नया आश्रम बना हुआ है, जिसकी देखरेख संत महाजन बाबा जी कर रहे हैं। और इस आश्रम की जो प्राचीन परंपरा है, उसके बारे में ये स्वामी जी महाराज अपने मुखारविंद से कह रहे हैं। सैनपुर में महाजन कभी कभी आते थे। वहाँ कई वर्ष रहे बाबा सरकार की तपोभूमि श्री स्वामी मग्नानंद सरस्वती। उस समय केवल हम 2 लोग ही थे। पूरे पूरे बगीचे में एक पंजीरी बाबा पीछे थे,
और आगे हम थे। दिन में कभी कोई गंगा स्नान करने आ जाए, 24 घंटे में दो रोटी और अरहर की दाल, इतना ही भोजन में वहाँ था ही नहीं कुछ, कभी दूध फल फूल किसी का आना जाना कुछ नहीं। मोटी दो रोटी, एक पुजारी आते थे किसी गांव से तो वो बना देते थे, तो दो रोटी और इतनी दाल रख के चले जाते। उनका था 24 घंटे में कभी हम ले लेंगे तो रसोई में रख के चले जाते, बस इतना ही पाना था, दो रोटी थोड़े। और सांप बीछी तो वहाँ अब पता नहीं है कि नहीं, पीछे ऐसे थे जैसे चीता होते ना, ऐसे हजारों सांप, हजारों बिछिया उस समय, तो किसी का आला जाला था ले। रात दिन भजन में वहाँ, बड़ा तपोभूमि है पर बहुत पावन भूमि है। ऐसे गंगा जी समीप बैठते हैं, रात्रि में जब निकल के बैठे ऐसे सांप जाते थे, हम काले हुए, बस ये दृढ़ निश्चय था कि अगर प्रारब्ध में इसको काटना है तो कहीं भी बैठो काट लेगा, अगर प्रारब्ध में नहीं तो नहीं, तो पास से निकल जाते थे, पद्मासन लगाए जैसे बैठे, ऐसे जटाए थी ऐसे डाले रात्रि। ये जंगल का एरिया है, इस जंगल में बना शोभन सरकार का कुटी का दृश्य सबको मनमोह लेता है। ये बहुत ही बहुत सुंदर और भव्य है, जिले के बहुत दूर दूर से लोग आकर दर्शन करते हैं। इसमें शोभन सरकार का कुटी आश्रम बहुत विशाल है,